बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि नबी जी उम्मी। आप जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया के नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारा आपके साथ है, ये दूसरा टाइम है। सुबह मैं और चौधरी सरवर साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, इस्लामाबाद तक करते हैं, लाहौर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन सच्ची बात है कि ये जो शहर हमारा जिंदा दिलाने लाहौर का जो शहर है, ये पूरे पाकिस्तान का दिल है। पूरे पाकिस्तान का दिल लाहौर के साथ धड़कता है। लेकिन आज का दिन मुझे मेरा अगर इस लाहौर शहर में अगर सबसे ज्यादा गमनाक और तकलीफ दे हो सकता था तो जिना उसके विजिट पे हुआ। और मैं ये आज की इस तकरीब में भी ये कहूंगा कि इस पे आपका और मेरा, इमरान खान या किसी ने भी जो इसके पीछे इमरान खान के बाकी कोई साथी हुआ हो, इस पे जितने तबर्रे भेजेंगे कम है कि ऐसी हरकत, ऐसी जुरत और ऐसी जसारत और ऐसी गुस्ताखी और बदतमीजी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अभी जब हम अपने जो हमारे बुजुर्ग चौधरी शजात हुसैन साहब के साथ, आपको पता है कि मेरा जो तल्लक है वो सियासत या जो बाकी माशरती मामलात होते हैं उससे बहुत अबोक है, वो हमारे बुजुर्गों में आते हैं और उनका हमारे साथ हमेशा से शफकत का रिश्ता मौजूद है। मुझे अपने कई अपने जाती मामलात में भी कभी कोई रहनमाई चाहिए हो तो मैं चौधरी शजात साहब से रजू करता हूँ, उनसे हम रहनमाई और मशावरत के तलबगार रहते हैं। आज हम उनके पास आए, चौधरी सरवर साहब जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के, ये चूंकि इनके साथ कल मेरी तीसरी या चौथी मीटिंग थी। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इकट्ठे थे और उसमें बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस सियासी भी और बुनियादी तौर पे माशी गर्दाब में, उस माशी गर्दाब के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलीदी रोल है। उसमें शायद आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कसूरवार नहीं है, लेकिन इमरान खान और कुछ लोग उसके यकीनी तौर पर जिम्मेदार हैं। अब इसको इससे निकाला कैसे जाए? चौधरी सरवर साहब जब बाहर आ, मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज्यादा मैंने कहा कि ये मुतारक रोल ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में से आते हैं और ये बाहर पार्लियामेंट की मेंबरशिप बरतानिया की, लोग वहाँ का लोकल बॉडीज का काउंसिलर बनने के लिए मरे जाते हैं। इन्होंने वो छोड़ी, सिटीजनशिप छोड़ी और यहाँ पे आए। इनके साथ ये था कि सारी सूरत हाल से निकला कैसे जाए। वो हमारा मशावरत का सिलसिला जारी है और चौधरी शजात साहब के पास बैठ के उनकी रहनमाई तलब करना इतना ही जरूरी था। मैं इस हवाले से आपके साथ ये शेयर करूं कि मैं मुकम्मल तौर पर इस हवाले से एक एजेंडा रखते हैं, एक मुकम्मल प्लानिंग उसके पीछे मौजूद है। तमाम जो दूसरी पार्टियों की क्यादतें हैं, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान की तरह किसी को माइनस नहीं करते। मैंने सेनेट में अपने माफी जमीर में ये कहा था कि हमारे मुल्क की जो जयत सियासी क्यादतें हैं वो क्यों मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। मैं इस हवाले से ये कहूँ कि जी कोई पार्टी मेरे साथ अगर नजरियाती इख्तलाफ रखती है तो उसकी कॉम्पिटेंसी या अहलियत चैलेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। तमाम लोगों की पोटेंशियल मौजूद होता है। हम दूसरी क्यादतों को मिलाएंगे और चौधरी साहब और मैं इस मिशन के ऊपर कि तमाम लोगों से मशावरत की जाए और टेबल के ऊपर बैठा जाए, जो इमरान खान कर रहा था कि जी मैं टेबल पे नहीं बैठूंगा, अब वो बैठना चाह रहा है, अब उसके पास बैठने के लिए है कौन? जो बच्चा खचा लोग हैं वहां पे, उनको भी किसी राह रास्ते लगाना है। हमने एक यूथ का जो एक बहुत बड़ा वहां पे, वो जिनको हमसे मतलब रहनमाई की डिमांड है वो चाहते हैं, तो आप लाहौर प्रेस के साथ बार हा अब यहाँ पे, चूंकि आप सबके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत रहता है, अब बार बार होगा। हम दूसरी क्यादतों को भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये गुजारिश करूं कि एक मुकम्मल प्लानिंग और एजेंडा मेरे पास मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे और चौधरी शजात साहब की मैं मशावरत से और रहनमाई से, हमारे भाई मौजूद है चौधरी सरवर साहब चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, इनको जो मैंडेट उन्होंने दिया हुआ है, ये सारे के सारे इस वक्त भी मैं आपको बताऊँगा अगर मुल्क हमारी में सियासी लोगों में कोई मौजूद है जो रहनमाई कर सकता है तो चौधरी शजात साहब के अलावा कोई नहीं है। ऐसे उनके अंदर मुबल वतनी वो जज्बा और ये रवादारी और ये जो किसी अपने आदमी और अपने ग्रुप के साथ वो
शायद मुझे लोग कहते रहते कि ये अपने धड़े का ख्याल रखता है, मैंने ये चीज चौधरी शजाद साहब से सीखी है। हमने जो रवादारी सीखी है वो उनसे सीखी है। तो मैं इस हवाले से कि पूरे इस प्लानिंग के ऊपर इंशाल्लाह जो अपना मुल्क और काम का जो सियासी गर्दाब है इसको ख़त्म करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, बेचैनी और इस तरह आप ख़त्म होगा, मुल्क से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और हमारा मुल्क जिस चीज़ के लिए बना है वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं? पहले पहले एक बात एंड पे कर, मेरी बात क्लियर करूं कि ये जो इन्होंने कायदे अब अपना अतीक साहब का कोई बात की ऐसी जो सुन ले आप मेरी बात, ऐसा कोई चैप्टर मौजूद नहीं है। सरदार तनवीर ने पहले भी कहा था मैं रीजन के लिए पैदा नहीं हुआ था। बात सुन ले भाई, बात सुन ले। ये चौधरी सरवर साहब ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, मैं एग्री नहीं करता ऐसी बात से। ना मैंने कहा था कि मैं शामिल हो रहा, चौधरी शजाद मेरे बुजुर्गों में शुमार होते हैं। मैं जो फैसला करूंगा मैंने कहा आपकी रहनमाई और मशावरत से करूंगा। ये गवर्नर साहब की बात से मैं इतफाक नहीं करता कि मैं ना आज़ाद कश्मीर का चैप्टर मेरा कभी मौजूद रहा है, ना कभी आई है कि जी वहाँ माइदा था या नहीं माइदा था, ना सरदार तनवीर के पीछे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 MNAs हैं, सबसे ज्यादा सूबाई मेम्बरान मेरे पीछे खड़े हैं। तो मैं आपको वहाँ की किस बात की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यह मैं आपको बताऊं कि चौधरी शजाद साहब वहीं पे हैं जहाँ पे वो मेरे बुजुर्गों में। जो फैसला करूंगा मैंने कहा मैं धड़े बंदी रवादारी चौधरी शजाद साहब से सीखी है, उसी पे बिलीव करता हूँ, मैं उसी पे बिलीव करता हूँ, उसी पे बिलीव करता हूँ। और चौधरी साहब की मशवरे से मैं फैसला करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बर मेरे अलावा कहीं नहीं है।